All of you are engineers. Since all of you are engineers, so it makes sense that let's talk about how to interact and work in engineering teams. तो इसमें मुझे चंद एक बातें आपसे बहुत शुरू में करना चाह रहा हूँ. एक तो ये है कि प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर विद यू, ताकि हम कुछ डिस्कशन पॉइंट्स एक दूसरे से शेयर कर सकें और कुछ एक जगहों पे मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए हो. सेकंड, ये कोई जुमे का खुतबा नहीं है कि आई विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग. यू कैन स्टॉप एनी टाइम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एनी टाइम. And I will appreciate if you participate logically and also make points, add value through your experiences as well. तो अब आए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. हमारा टॉपिक देखिए, जब when we talk about working with engineers in teams, तो इसके दो बड़े हमारे पास एक्सपेक्ट आते हैं. एक तो टेक्निकल है, यू माशाल्लाह ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स, सो देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ए इंजीनियर्स टीम. आवर टॉपिक इज ऑन द बिहेवियरल साइड, एज अ कोलीग, एज अ टीम लीडर, एज अ मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट. तो हम सोशल साइड ऑफ यू इज आवर टूडेज टॉपिक, मगर उसमें भी एक दो चीजें बड़ी अहम हैं कि जो हमारे सामने चंद टर्मिनोलॉजी हों और उसको हम डिस्कस करें कि हमारा एग्जैक्ट टुडेज टॉपिक क्या है. मगर उससे पहले आप सोच रहे होंगे हर बात कहने के बाद मैं कहता हूं, मगर उससे पहले तो वजह एक्चुअली ये है कि जब यूजुअली वी डू दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर होल डे और टू डेज, जिसमें स्पीकर और ऑडियंस बिकम और इवॉल्व एज अ टीम एज वेल. तो अब चूंकि हमें दो घंटे के अंदर सारा कुछ एक जादुई अंदाज में करना है, तो कुछ चीजें आगे पीछे होती हैं. तो दैट्स वाई आई नीड योर फीडबैक थ्रू द कमेंट्स एंड यू कैन रेज योर हैंड एज वेल. तो मैं ऐसा कर रहा था कि बिफोर वी डिस्कस फॉर्मली टूडेज टॉपिक, एक दो चीजें जो बहुत कॉमन हैं मगर ये जरूरी है कि हम एक पेज पे हों. अब एक पेज में होने के लिए जरूरी है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग. यहां पे देख रहे होंगे कि एक एंकर है दिमाग की जगह. तो अगर कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर हम ओपन नहीं है किसी डिस्कशन के लिए, इफ वी आर नॉट रेडी टू लिसन पॉजिटिवली, तो फैसिलिटेटर, स्पीकर, एक्सपर्ट कैन नॉट एड एनी वैल्यू टू यू बिकॉज देयर इज इनसाइड देयर इज अ ब्लॉक. तो हमें अपने आप को पहले अनब्लॉक करना है, चेंज के लिए अपने आप को तैयार करना है. क्योंकि आज के सेशन में मैं जो भी जाहिर है व्हाट एवर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, इट्स नॉट जस्ट माय थॉट, इट बेस्ड अपॉन द रिसर्च, इट वी हैव टेकन सो मेनी टिप्स फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स, और जहां जरूरत होगी मैं उसको मेंशन भी करना पसंद करूंगा. ये नॉलेज है जो हम ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि आप बहुत सारी चीजों को जो रूटीन में कई बुक्स पढ़ के आपको मिलती हैं वो एक सेशन में हम आपके सामने रखते हैं. लेकिन इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, तो फिर तो हम कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. तो आपको अपनी मदद खुद करनी है और अपने आप को तैयार करना है कि टुडे आई मस्ट टेक सम टिप्स, ताकि आपका और मेरा ये टाइम जो है वो एक वैल्यू अदा कर. अच्छा, इसी बात को एक और लाइटर अंदाज में मैं आपके सामने रखता हूं. तो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. एनीवन ऑफ यू
तस्वीर को देखते ही व्हाट कम्स टू योर माइंड, क्या आपके ख्याल में आता है, व्हाट इट शोज। जी एनी मेडिकन, मुकेश साहब अपनी परहैप्स वांट टू से समथिंग। सो आईटी कैन कनेक्ट है मुकेश साहब। मैं मुझे आवाज नहीं है, अब आवाज आपकी आई है। अच्छा सर, बाकी पार्टिसिपेंट म्यूट है इसलिए आपने नहीं सुन सकते। प्लीज अनम्यूट देम, वरना तो फिर ये खुतबा जुमा हो जाएगा ना। बात की थी रेज हैंड ऑप्शन, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो ही कैन यूज रेज हैंड ऑप्शन, वो रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकता है। वो क्वेश्चन पूछेगा तो हम आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे क्वेश्चन। सर नहीं, क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, आई वांट देम टू पार्टिसिपेट विद मी। अब जैसे मुकेश को आप अनम्यूट करें। अच्छा मुकेश कुमार, पर आई सी ही हैज सम इश्यू विद द आईडियो। सर अनम्यूट, अनम्यूट हो गया मुकेश। But he is yet struggling with the idea. Anyhow, anyone else? वरना तो फिर मैं वो तकरीर कर देता हूँ if we cannot participate. Yes, Arslan, go ahead. Arslan ने अपना hand raise किया है तो इनको please let him. अनम्यूट करें। जी सर अनम्यूट। जी जी अरसलान बोलें। हाँ उनकी आवाज भी नहीं आ रही, परहैप्स समथिंग ओके। या हमने सर अनम्यूट की ऑप्शन दे दी है, जिसने अनम्यूट करना है वो आ सकता है, बात कर सकता है। वो आ सकते हैं, ठीक है। तो अरसलान अपने आप को करें अनम्यूट एंड स्पीक अप। ये उनकी तरफ से अब है सर, हम तो कर दिए इधर से। अच्छा उन्होंने हैंड भी रेज किया हुआ था। ओके सिंस हमारा टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए इस तस्वीर में हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि एक हॉर्स जैसा पावरफुल जानवर एक प्लास्टिक की चेयर से बंधा हुआ है और वो अपने आप को इससे आजाद नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से बांधा गया है। बंधे रहने से उसके ब्रेन में ये बात बैठ गई है कि जब भी उसे बांधा जाता है तो मूव नहीं कर सकता। उसका ब्रेन ये प्रोसेस नहीं एक नई हकीकत को कर पा रहा कि अगर वो किसी दरख्त या किसी ऐसी चीज से बंधा हो जो जमीन में गड़ी हो तो वो हॉर्स कैन नॉट मूव, लेकिन इसको तो लेके वो भाग सकता है, इसे तो जान छुड़ा सकता है, लेकिन वो नहीं छुड़ाएगा क्योंकि हम अपनी सोच के अंदर, अपनी इंडिविजुअलिटी के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं। इर्द गिर्द के बदलते हुए हालात
लोग ऑफिस लोकेशन प्रोजेक्ट के साथ हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करते, अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते, यही से फिर तलखियां जन्म लेती, यही हमारे रिलेशनशिप को चीज खराब करती। सो वी नीड टू एडजस्ट आवरसेल्फ। खासतौर पर बदलते हुए हालात में कोरोना और इस तरह की चीजों से जो आए हैं, तो प्रोफेशनल्स विल सर्वाइव हु कैन एडजस्ट विद अनसर्टेनिटी, हु कैन एडजस्ट विद न्यू पीपल अराउंड। व्हेन वी टॉक अबाउट टीम डेवलपमेंट, हमारे पास तीन चार इस्तेलाहात आती हैं। एक टीम डेवलपमेंट है, टीम डेवलपमेंट होता है कि जो हम फ्यूचर नीड्स को देखते हुए अपने टीम मेंबर को ट्रेन करते हैं, ये यूजली स्ट्रेटेजिक डिसीजन होती है एंड इट इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट थ्रू एचआर। टीम बिल्डिंग ये सुपरवाइजर या डिपार्टमेंटल हेड की जिम्मेदारी होती है एंड टीम बाउंडिंग बाय द इमीडिएट सुपरवाइजर एंड द टीम मेंबर्स ऑल टुगेदर, जो आपस के रिलेशनशिप को फर्म और मजबूत करें। एंड अदर टर्म वी यूज टीम वर्क, इसका मतलब ये होता है कि एवरीवन विदिन द टीम इज रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड रिलेशंस, मेक रिलेशंस वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और यही हमारा आज का मतलब। टीम वर्क के अंदर इंपॉर्टेंट चीज इंडिविजुअल है, उसका अपना एक बिहेवियर होता है जिसमें उसने अपना टाइम जो है वो सर्व करना। आइए अब इस बात को कि टीम के अंदर काम करने की वीडियो क्लिप से हम देखते हैं और फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको मुझे स्टॉप शेयरिंग करनी होगी टू गो फॉर द वीडियो। Somebody from IT is with us. So I'm not from the RDS, but if we stop sharing the video, how can the audience watch it? नहीं, वो अब मुझे वीडियो लेके आनी है ना, तो मैं इसको मैं डाउनलोड कर दूं अपनी इस प्रेजेंटेशन को। This is what I'm saying. सर आप yes, sir, yes, sir. Yes, sir. इसको आप नीचे करके अपनी वीडियो जो है ना उसको आप ऑन करके तो उसको शेयर कर ले। Oh, ठीक, understandable. Let's do it. अच्छा जी, पहले मैंने वीडियो ऑन की। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। यस यस सर। ओके, इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो प्लीज जस्ट वॉच। जी, आपने ये वीडियो देखी कि ये चंद सेकंड के अंदर एक पूरा आपको इसमें व्यू मिलता है कि ये तकरीबन कोई एक मिनट के करीब एक ये थी जिसके अंदर चार पांच एक्ट थे। तो आपने गौर किया कि जब व्हेन वी यूज दिस टर्म टीम वर्क, तो इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
It is not that easy. कि हम ये समझ रहे हों कि ये चीजें टीम बन जाना बहुत इजी है ये इतना इजी नहीं है इस चीज पे बहुत जमाना लगता है तब जाके एक टीम वजूद में आती है और आपने अगर इस वीडियो पे गौर किया हो तो देखें इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड दे आर चेंजिंग देयर एंड दे आर हैविंग डिफरेंट मूव्स अगर कोई एक टीम मेंबर एक सेकंड के हाफ सेकंड के अंदर भी अपनी उस तयशुदा मूवमेंट को नहीं कर पाता तो पूरा एक्ट इनका खराब हो जाता द सेम थिंग इसको जरा आप जनरलाइज करके देखें तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर यही चीज होती है कि आप को उसके अंदर ये मुश्किल पेश आती है कि कोई एक टीम मेंबर अगर प्रॉपर बिहेव ना कर रहा हो तो पूरी टीम की के लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती अब हम वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं ताकि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके ये अनफॉर्चुनेटली बार बार ये जरा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं जो मेरा फ्लो भी नहीं बन पा रहा क्या इशू आ रहा है आपको मुझे इशू ये आ रहा है कि अब मुझे दोबारा शेयरिंग की तरफ जाना है जी आप वो जो आपकी प्रेजेंटेशन थी आप उसको दोबारा ओपन कर लें और फिर शेयर ओपन हो जाके उसको शेयर कर लें उसको जी बिल्कुल इट्स कम बैक आई थिंक एवरीवन कैन सी नाउ यस सर जी सर बिल्कुल अब बस आप इसको फुल स्क्रीन कर लें ठीक है जी अब हमने इसको फुल स्क्रीन कर लिया तो टीम वर्क में अगर वही जो हम वीडियो अभी देख रहे थे चंद सेकंड्स की आप देखें कि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कम्युनिकेशन नहीं है तो रिजल्ट कुड बी लाइक दिस अब आप किसको ब्लेम करेंगे इस लॉस को किस तरह से रिपेयर करेंगे इट इज एन अदर प्रोजेक्ट बट इट हैपेंस कि जी इंस्टीट्यूशन के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही थी टीम के दरमियान नहीं हो रही होती टीम और सुपरवाइजर के दरमियान गुफ्तगू नहीं होती तो जिसका नतीजा ये होता सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिकॉज एवरी वन ऑफ यू इज professional and understand the importance. I'm just giving you some clue so we can talk about the our today's topic. अब आए इसको हम बात कर रहे हैं कि what is a team? A team is a small number of people with complementary skills. तो एक तो complementary skill पे नजर रखिए who are committed to common purpose. कंप्लीमेंट्री स्किल्स कॉमन पर्पस परफॉर्मेंस गोल कि हमने क्या करना है ये हमने तय किया हुआ अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स म्यूचुअली अकाउंटेबल अकाउंटेबिलिटी से मुराद वो लेवल अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहां अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन टास्क and behavior within the team and we offer ourselves to be questioned accountability is not to judge somebody accountability here does not mean to have a case against somebody but we are concerned here accountable to make everyone him or herself open for communication And open to be asked, have you achieved your milestone? Have you done your work properly? Because in engineering works, so many people work on one project, but within the project,
इंटरलिंक्ड डिफरेंट टास्क। तो जब तक हम ओपन नहीं होते और हमारे पास कंप्लीमेंट्री स्किल्स नहीं होती, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हम एक टीम के तौर पर काम कर सकें। टीम वो नहीं है कि जिसमें सारे एक जैसे। और आज के दौर में तो जो इंजीनियरिंग असाइनमेंट्स आर एड्रेस बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, आपको एक ही वक्त में कई तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। सो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर से हम टीम को और दूसरों को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि ये मजबूरी है। ये एक बुनियादी बिहेवियरल इश्यू है कि हम एक तो काम की जगह को ही, हमारे अंदर को एक जो चला आ रही है बातें हमारी सोसाइटी के साथ से, कि मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके ओके, ये मेरी एंड से कुछ चीजें गायब हो गई हैं, इट्स ओके। तो बात जो हम कर रहे हैं अब, आप इसी चीज को, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सोसाइटी में हमें बास का लाशारी तौर पर ये बातें समझाई गई हैं कि फैमिली टाइम हमारे ऑफिस टाइम से ज्यादा है। ठीक है, आई डू एग्री विद दिस कि फैमिली टाइम इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये याद रखें कि जागते हुए आपका ज्यादा टाइम फैमिली के साथ नहीं ऑफिस में गुजरता। सो ऑफिस इज नॉट लेस देन योर फैमिली एज वेल। और हमारी, मेरी, आपकी फैमिली हमारे ऑफिस से चल रही होती है, उसकी खुशियां, उसकी बहुत सारी जरूरियात यहां से पूरी होती। तो ऑफिस को भी एक एक्सटेंडेड रिलेशनशिप में देखें, मजबूरी में ना देखें कि जी गुजारा तो करना है, नौकरी तो करनी है। नहीं, इसको आप फैशनलिज्म के नुकसान से जब देखेंगे तो यू विल फील हैप्पी वर्किंग विद पीपल। ये दोनों चीज में बड़ा फर्क है कि आप मजबूर होकर टीम के अंदर काम कर रहे हैं या आप ये समझते हैं कि नहीं, आई एम पार्ट ऑफ दीज पीपल एंड दीज आर पार्ट ऑफ मी। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो फिर आपके जो डिफरेंट रवैये हैं, जैसे इस स्क्रीन में देखिए कि डाइवर्सिटी क्या है टीम। अगर आप जस्ट थिंक ऑफ योर कॉलेज और योर स्कूल टाइम और वहां पे देखें कि किस तरह के आपके क्लास फेलोज थे, तो कोई क्वीन बी नजर आती है, कोई स्केचर नजर आता है, कोई किसी रिलेशनशिप के अंदर होता है, किसी को गाने का शौक होता है, कोई कॉपिंग मशीन के जो मशीन की तरह बिहेव कर रहा होता है, कोई स्पोर्ट गाय होता है, समबडी हु लुक्स डिफरेंट, वो अजीब तरह के कपड़े, अजीब तरह के हेयर स्टाइल के साथ आ जाता है, कुछ बैक बेंचर होते हैं, कुछ फ्रंट पे बैठे हुए लोग होते हैं, कोई है जो हमेशा परेशान सा रहता है, किसी को गपशप का हमेशा शौक रहता है, कोई हाइपर एक्टिव है, कोई पैसिव रखता है, कोई म्यूजिक लवर है, कोई सोचों में रहने वाला आउट ऑफ अर्थ है, कोई हार्ड वर्कर है, कोई बुली करने वाला है, कोई घबरा जाने वाला है। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी आर डिफरेंट, वी बॉर्न डिफरेंट, this is quite natural, but we have to have work together with accepting diversity in the team. ke mukhtalif log mukhtalif honge, ye ek aisi ground reality hai jisko aap kabhi change nahi kar sakte. jab hum isko change nahi kar sakte to hum isko majboori mein nahi बल्कि हम इसको खुश दिली के साथ मान तस्लीम करते हैं। जब खुश दिली से इस चीज को तस्लीम कर लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम दूसरों के साथ जेल कर सकें। तो हमारे रवैये में भी एक नेचर, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फैमिली के अंदर जो नलायक भाई बहन है उनको भी हम साथ लेके चलते हैं, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हमारे साथ होते हैं, तो हम हर दो सूरतों में सबको साथ लेके चल रहे होते हैं और हमें चलना चाहिए सबको साथ लेके।
अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। टीम के अंदर आपके क्या रोल्स जो हैं वो बनते हैं। एक इंजीनियरिंग टीम में कुछ शेपर होते हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आप नाउ यू कैन थिंक ऑफ योर ओन टीम वेयर यू आर वर्किंग। शेपर क्या है कि जो रूटीन की चीजों को चैलेंज करते हैं और इंप्रूवमेंट के लिए उनके पास कुछ आइडियाज होते हैं। ये इनोवेटिव लोग होते हैं, ये रूटीन में काम करने वाले लोग नहीं होते। और हम इस तरह के लोगों को बस को कहते हैं यार तुम्हारा तो मसला ये है कि तुम किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते। नहीं, दीज आर द पीपल हु आर इनोवेटिव एंड दे वांट टू इंप्रूव द प्रोसेस। उन्हें डिस्करेज करने के बजाय ऐसे लोगों को टीम के अंदर जरूरत होती है कि एनकरेज करते हुए चैनलाइज करें उनकी एनर्जी को, तब वो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। आप खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरे भी होते हैं। कुछ इंप्लीमेंटर्स होते हैं, दे कन्वर्ट आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज इनटू मैनेजेबल टास्क। वो आपको स्ट्रेटजी नहीं बना के देता, आपके पास स्ट्रेटजी एक आ जाती है, आपके पास प्रोजेक्ट का एक पूरा प्लान आ जाता है। अब इस प्लान को मैनेजेबल टास्क में चंक्स में तकसीम करना और उसको वक्त पे खत्म करने के लिए इन लोगों का रोल होता है। अब ये इंप्लीमेंटर्स वो नहीं है जो लीड कर रहे होते, दोज हु वर्क विद अदर्स। अब इसी तरह टीम प्लेयर्स कुछ लोग होते हैं, दे एनकरेज कोलैबोरेटिव वर्क। आप इनको एंड दे स्टेप अप इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। आप फंसे हुए हैं तो कहेंगे यार ऐसा क्या मसला है, आई एम विद यू, ये आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये टीम प्लेयर्स होते हैं। और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे कोऑपरेटिव लोगों को फॉर ग्रांटेड लेके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। और कुछ लोग उनसे काम लेते हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं करते, जो कि गलत है। यू मस्ट बी अप्रिशिएट। फिर कुछ कोऑर्डिनेटर्स टाइप लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे लिसन टू अदर्स टू अंडरटेक टास्क अकॉर्डिंग टू द स्किल्स दे ब्रिंग। ये सुनते हैं, मशावरत करते हैं, कंसल्टेशन का हिस्सा होते हैं। ये बड़े वैल्यूएबल लोग टीम के अंदर होते हैं। और पांचवी तरह के स्पेशलिस्ट, ये आपके सीनियर मेंबर ऑफ टीम है जिनके पास नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस है। ये आपको हेल्प आउट करते हैं, टिप्स देते हैं। अब इन लोगों को रिकग्नाइज ड्यू रिकग्निशन देने की जरूरत होती है कि जो दोज हेल्प यू, आप उनको लेके चलते हैं तो टीम ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती। अब आइए हम जरा, इफ एनी क्वेश्चन सो प्लीज यू कैन आस्क इवन इन चैट और यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक। क्योंकि ये कुछ एकेडमिक गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। जी, तो हमने इंजीनियरिंग रोल्स की बात की और मैंने इसको रिलेट किया है जो ओवरऑल हमारी ह्यूमन पर्सनालिटीज हैं, डाइवर्सिटी हैं। वैसे तो डाइवर्सिटी आजकल एज ए नॉलेज एक डिसिप्लिन। जी, इफ कोई क्वेश्चन पूछता है तो आई विल फर्दर आई विल कन्वे यू। अभी कोई नहीं है, इफ समवन हैज अ क्वेश्चन ही कैन राइट इन द चैट बॉक्स देन आई विल फॉरवर्ड इट टू यू सर। ओके ओके ओके, बल्कि मुझे आप किसी बोल के बताइएगा। जी जी, अगर मेरे जी जैसे ही आएगा अभी पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो ही कैन यूज अ चैट, ही कैन आस्क इन द चैट बॉक्स एंड देन आई विल कन्वे यू। ओके सर। ओके ओके, यू कैन स्टॉप एनी टाइम, नो इशू। तो हम इन दो चीजों को मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ कि ये एक एकेडमिक गुफ्तगू
इसलिए मैंने जो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत लिटरेचर दुनिया में प्रोड्यूस हुआ है लीडरशिप के ऊपर, तो ये कुछ चीजें। इसके अलावा भी रोल्स हैं, जैसे डिस्क का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी टीम के हवाले से है कि ड्राइवर और इन्फ्लुएंसर और इस तरह के लोग उसमें होते हैं। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट मोर क्लासरूम एकेडमिक डिस्कशन, लेट्स फोकस ऑन दी टिप्स। अब आप हाउ टू वर्क इन टीम ऑफ इंजीनियर्स, इसमें हम चंद चीजें आपसे शेयर करते हैं। पहली बात यह है कि अंडरस्टैंड योर कोलीग्स। ये कैसे अंडरस्टैंड करें, क्यों का तो सवाल यह है कि देखें, अनलेस यू नो समबडी, आप उसके साथ बिहेव कैसे करें यह डिसीजन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह होगा कि समझना तो जरूरी है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं क्या योर कोलीग्स, और किस पैमाने पे उनको परखें, वो मैंने आपसे पहले दो स्लाइड्स आपसे शेयर की। एक जो क्लासमेट्स के हवाले से थी कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रोफाइल्स। सेकंड आपके साथ जो मैंने शेयर की वो टीम, इंजीनियरिंग टीम के अंदर शेपर कौन से हैं, कोऑर्डिनेटर कौन से हैं, इस तरह के लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है। इसलिए मैंने ऐसा किया था कि आपको थोड़े से नोट्स लेने होंगे ताकि डिस्कशन हम जो बेहतर कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप आ गया कि आप अपने लोगों को अंडरस्टैंड करना है। जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप अपने बिहेवियर का तय नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाजा होना चाहिए कि टफ टाइम्स कौन से होंगे, वेदर के एतबार से कौन से होंगे, हार्ड वर्क के एतबार से कैसे होंगे, डेंजरस एरियाज कौन से हैं, ईजी टास्क इसमें कौन से हो सकते हैं। आप चूंकि अपनी टीम को जानते हैं तो आपको असाइन करने में और एडजस्ट करने में सहूलत है। आप जिस तरह के लोगों को जानते होंगे उसी तरह के रोल्स उनको दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर रह के देखना। थर्ड पॉइंट, हैव कॉन्फिडेंस नॉट टू माइक्रो मैनेज। जो आपके साथ कोलीग्स हैं उनको खाम खा के मशवरे नहीं देने चाहिए। माइक्रो मैनेजमेंट, आप ये क्या कर रहे हैं, नहीं आपको ये करना चाहिए था। दूसरे लोग इससे स्ट्रेस फील करते हैं, वन यार ये हमें मुस्तकिल जज कर रहा है, हमें वाच कर रहा है। नहीं, लोगों को कॉन्फिडेंस दें कि जब कुछ चीजें आपस में बैठ के तय हो गई, नाउ यू हैव अ फेथ इन देम, इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है, इससे वो अपनी सलाहियतों को बेहतर यूटिलाइज करते हैं। दे टेक इट एज अ चैलेंज, बट इफ वी सपोर्ट देम अननेसेसरीली, जैसे हमारे घरों में भी है कि बच्चों को हमने इतना प्रोटेक्टिव बना दिया है कि वालदैन जो है वो 24 घंटों के मुलाजम बन के रह गए हैं बच्चों को, हर चीज में हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और वो जिंदगी को फेस करने के काबिल नहीं रहते। इसी तरह से हम यहां ये बात कर रहे हैं कि वेन यू अंडरस्टैंड द पीपल, प्रोजेक्ट डिटेल इज देयर, टॉक अबाउट द रोल्स एंड देन लेट देम वर्क देमसेल्व्स। व्हेन समबडी आस्क्स यू, यू मस्ट हेल्प हिम और हर। लेकिन अननेसेसरी लोगों की पर्सनल स्पेस में हमें नहीं जाना चाहिए, जिससे रिलेशनशिप खुशगवार रहते हैं। हम जब पर्सनल स्पेस में दाखिल हो जाते हैं, हाँ वो मशवरे की सूरत में हो, वॉचिंग ओवर की सूरत में हो, अननेसेसरी जेस्चर फेस या गुफ्तगू के जरिए हो, ये सारी चीजें लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती। एंड बी फ्लेक्सिबल, जब टाइमलाइंस तय हो जाएं तो उनसे पहले लोगों को पूछगिछ नहीं शुरू होनी चाहिए। लोगों को थोड़ी बहुत मिस्टेक या डाइवर्ट होने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि मुख्तलिफ नेचर वाले लोग हमारी टीम के अंदर, वो अपनी नेचर नहीं बदलेगा, हाँ एडजस्ट कर लेगा और कुछ आपको एडजस्ट कर रहे। अगर आप एडजस्ट करने को तैयार नहीं तो इसका मतलब है यू आर नॉट गिविंग पर्सनल स्पेस टू योर कोलीग्स आर योर टीम मेंबर्स। तो जब पर्सनल स्पेस नहीं होगी तो
अगेन पीपल विल फील स्ट्रेस. स्ट्रेस्ड आदमी ज्यादा गलतियां करता है बनिस्बत इसके कि वो एक फ्लेक्सिबल माहौल में हो. अनदर पॉइंट, कीप एन आई ऑन द बिग पिक्चर. ओके, आपके प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं, आपको ओवरऑल सक्सेस को सामने रखना होता है. अगर आप ईच एंड एवरीथिंग में घुसना शुरू कर देते हैं जो कि आपका रोल नहीं है, तो उसके नतीजे में एक अननेसेसरी स्ट्रेस एट वर्क प्लेस क्रिएट हो जाती है, जो आपके रिलेशनशिप को भी मुतासर करती है, परफॉर्मेंस को भी मुतासर करती है, और आपके कुलीग या सबॉर्डिनेट की मेंटल हेल्थ को भी मुतासर करती है. सो गो फॉर द बिगर पिक्चर इंस्टेड ऑफ कि आप माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेट वेल. ये हम थोड़ा सा आगे चल के भी इस पर बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में कम्युनिकेशन के बहुत इशू हैं. हम जो बात करते हैं क्योंकि हमारे जहन में क्लियर है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो मेरे जहन में है, माय वर्ड्स आर फुली कैपेबल टू कन्वे द राइट मीनिंग टू द अदर पर्सन. लेकिन ये जरूरी नहीं है. अदर पर्सन का दिमाग अलग है, उसका एक्सपीरियंस आपसे मुख्तलिफ है, हो सकता है डिफरेंट तरह के अदारे में पढ़ा हो, डिफरेंट तरह से रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, डिफरेंट इलाके का रहने वाला हो. अगेन डाइवर्सिटी. तो हाउ टू इंश्योर, चलिए इसके बाद हम इस पर मजीद बात करते हैं. और मैनेज विद इन टीम अपवर्ड भी, सुपरवाइजर आर द मैनेजर, डाउनवर्ड इफ समबडी इज योर सबॉर्डिनेट, थ्रू द फिनिश, और आपको फिनिश लाइन की तरफ जाना है. कोलीग्स को भी देखना है, ऊपर भी नीचे भी. या ये नहीं हो सकता कि कहीं हम ये कहें कि चूंकि मेरे हमारे यहाँ कल्चरल ये भी होता है कि भाई बॉस से बना के रखो बाकी का, दिस इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर. ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है. प्रोफेशनल बिहेवियर में आप ऊपर नीचे में इस तरह से फर्क नहीं करते कि कौन ज्यादा रिस्पेक्टेबल और कम है. फर्क होता है टास्क की नौजियत के अतबार से. टास्क तय करता है कि किसके साथ कितना टाइम गुजारा जाए, ना कि मुझे कौन पसंद है कौन मुझे पसंद नहीं है, मैं किसको एंजॉय करता हूं और किसकी मैं कंपनी को एंजॉय नहीं करता. तो ये बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें हमारी नजर का होना बहुत जरूरी है. तो अब इसी चीज को मैं एक वीडियो के जरिए आपके सामने लेके आता हूं. आई बिलीव कि आप वीडियोस जो है वो अच्छी लगती हूं, और इस पे हमने कुछ आपसे डिस्कशन भी करनी है. सो प्लीज बी ओपन कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरे सवालों के जवाब देंगे. सवाल तो क्या होगा, ये गपशप होगी. सर मेरा एक क्वेश्चन है. प्लीज गो अहेड. सर हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, उनके साथ जिस वक्त हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो क्वालिटी पे बाज दफा हमारे कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ठीक है. बाज कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि मतलब वो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर जाते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं. मतलब वो क्लाइंट के साथ ऐसी बना के रखते हैं. सही. कि जिस तरह वो क्लाइंट को कहता है उसी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करती, तो बाज दफा क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को वो इस तरह नहीं फॉलो कर रहे होते कि भाई वो कहते हैं कि जी यहाँ पे इशू आ सकता है, हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते. तो हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं जैसे CNW है, इरिगेशन है, NHA है. बिल्कुल. वो फिर हमें पसंद नहीं करती. वो कहते हैं यार ये लोग, जैसे आपने बात की फ्लेक्सिबिलिटी की, वो कहते हैं यार ये नेस्पाक जो है ना, ये इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ये जो है ना बिल्कुल एक बात पेड़े होते हैं कि जनाब ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजाइन में ये चीज है, स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन में ये चीज है, पर इसी को फॉलो करना है.
अब ऐसे हालात में क्लाइंट जो है ना फिर हमें पसंद नहीं करता नेस्पा को, वो कहते हैं यार ये बहुत सख्त लोग हैं, अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं तो लाजिम बात है आप गवर्नमेंट के एसेट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अभी जो मेरा नेस्पाक में 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जी जी कि हम आजकल प्रोजेक्ट्स विन इस वजह से नहीं करते कि हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं और क्लाइंट इस चीज को पसंद नहीं करता। वो कहते हैं हमें ऐसी कंसल्टेंट चाहिए जिसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जिस तरह हम कहें उसी तरह वो करते जाएं। तो अब बाज दफा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार हमें क्या करना चाहिए, हम आए इतने फ्लेक्सिबल हो जाए जिस तरह वो कहते हैं कि भाई रंग में रंग जाए, जिस तरह वो कहते हैं बस उसी तरह करते जाओ। इस सिचुएशन में बंदा क्या करे, क्योंकि अगर आप क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं तो आप एक कौमी एसेट और एक खयानत कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो आप देखते हैं कि यार हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, मुझे एक्चुअली यहाँ कुछ जरा विजिबिलिटी का इशू हो रहा है, आई एम सॉरी आई कुडंट सी योर गुड नेम। कि मैं सर इकराम, माय नेम इज इकराम। इकराम, इकराम साहब, पहली बात तो ये है कि जो जिस पे मेरे दिमाग में तो मुझे भी 25 साल और 18 साल बाद मेरा पुराना इन्होंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, तकरीबन 25 साल हो गए हैं, मैं हार्वर्ड तक के कोर्सेज किए हैं और वहाँ लेक्चर भी दिए हैं। कामयाब सिर्फ वो लोग हैं, वो अदारे हैं जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, एक बात। इस पे तो आप अपने ये शक शुबा निकाल दें कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना, ये तो नहीं करना जो भी हो जाए, वन थिंग। सेकंड, जो लोग प्रिंसिपल्ड होते हैं, हार्वर्ड की ही मैं आपको रिसर्च बताता हूं, और ये जाहिर है कि 18% उनके चांसेस विन करने के कम हो जाते हैं, ये अमेरिका की रिसर्च है, यानी वहां भी प्रिंसिपल्ड लोग एक तरह से कॉर्नर होते हैं। लेकिन चूंकि उनका सिस्टम स्ट्रांग है हमसे, उनकी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, तो वहां इंसान सफर नहीं करता, उसको अल्टरनेटिव जो है वो मिल जाते। तो जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एक तो ये है कि सस्टेनेबिलिटी ओनली कम थ्रू द क्वालिटी, उस पर आप कंप्रोमाइज आप खड़े रहें। सेकंड ये कि उससे थोड़ा सा आपको फर्क तो पड़ेगा, इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें, दो बातें हूं। तीसरी बात, एक चीज है कंप्रोमाइज ना करना और एक चीज है कि हाउ वी कम्युनिकेट विद द क्लाइंट कि वी आर नॉट कंप्रोमाइज, इसमें बड़ा फर्क है। देखिए, क्लाइंट भी अल्टीमेटली एक ह्यूमन है, जब नुकसान होता है तो वो भी जिम्मेदार होता है। जैसे अभी जैसे ये जो टेस्ला के नस्ला क्या उसका टावर का नाम है, तो अल्टीमेट लोगों ने सफर किया है उसमें। इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, का वो कोई आपका ब्रिज गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो ठेकेदार से लेके सारा, ये वही ठेकेदार होता है जो आपको नापसंद करते हैं, फिर कहता है कि नहीं आपने इकराम साहब सही बात की थी, ये मैंने मुसीबत अपने गले में डाली है। तो ये टाइम बिल का, बट हाउ यू कम्युनिकेट, इस पर मैं थोड़ा सा आगे एक दो स्लाइड आपसे शेयर करूंगा कि मेरा तजर्बा ये है कि हमारा 50% कम अज कम जो प्रॉब्लम है वो हमारी कम्युनिकेशन से आता है। लोग इतने क्वालिटी और सच से एनाई नहीं होते जितने हमारे वे ऑफ टॉकिंग से होते। हाँ, अदर 50% मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगा कि लोग लालच में आके अपने छोटे छोटे फायदों के लिए आपसे फेवर मांग रहे होते हैं और उसको उसका इलाज आपके पास नहीं है, और शायद आज की डेट में स्टेट के पास भी नहीं। तो लेकिन मैं इस पे भरल हूँ क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट कंपनी चला रहा हूँ, हमारे पास लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स हमारे क्लाइंट के अंदर बैठे हुए लोग, मतलब मैं एक इंटरनेशनल क्लाइंट है मेरा, अब उनका सैलरी, उनके काफ़ी सारे लोग हमारे पे रोल पे हैं जो काम वहाँ करते हैं। तो अब वो क्या कर रहे थे, कई सालों से वो अपने सैलरीज के ऊपर टैक्स नहीं पे कर रहे थे। जब ये ह्यूमन रिसोर्स का प्रोजेक्ट मेरी कंपनी एसके के पास आया तो लोगों को बुरा लगा जो पाकिस्तानी वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सैलरी थी वो सारे घर उठा के ले जा रहे थे, विच इज टैक्सेबल। और हम ने कहा कि जी आप टैक्स देंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो जाहिर है वो अनाए हुए इस चीज, उन्होंने हमारे लिए मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी और वो मुख्तलिफ आर्टिफिशियल शिकायतें हमारे खिलाफ वहां पर उस
जो फार्मर थे उनके सामने जाती थी कि जी इसके ये कर रहा है, इसके वो कर रहा है, एंड व्हाट हैपेंड, मुझे पता था, मेरी टीम परेशान हुई कि जी ये तो प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाए। मैंने कहा नहीं, वहां गोरे बैठे हुए हैं, वो इस चीज को यूजुअली द गो बाय द लॉ, टॉक टू देम, वी सेंड देम ईमेल विद द रेफरेंसेस ऑफ पाकिस्तान टैक्स लॉज कि जी ये कटेगा टैक्स, लोग नाराज हो रहे हैं तो वो एक अलग बात है। एंड फाइनली आफ्टर सिक्स मंथ डिबेट दे एग्री टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू और हमारी चीजें फिर स्मूथ होना शुरू हो गई। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। मैं भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स के साथ काम करता हूँ, एक पीएचडी होता है और मुझे शर्म आती है जब ये बात करता है कि आपके साथ ये नहीं हो सकता कि आप ये पेमेंट मुझे कैश में करवा दें। क्यों कैश में करवा दें? एक सब्जी बेचने वाला सेठ जो है वो लाखों की दिहाड़ी लगाता है, उसमें और अरशद आके में फर्क क्या है? क्या हमने तालीम हासिल की अगर हमने उसी तरह से टैक्स चोरी करना है और उसी तरह से कंप्रोमाइज करना है? तो ये मेरे तीन पॉइंट्स आपके सामने, हाउ टू टॉक, इस पे मैं आगे बात करूंगा। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस क्वेश्चन विद मी। अब आइए इसको जरा देखते हैं, मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेयर हो जाए। मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर मैं दूसरी कर सकूंगा। जैसे अभी आपने पहले नहीं फॉलो किया, जैसे पहले स्लाइड जी जी उसी को फॉलो करके तो आप फर्दर जो है स्लाइड वीडियो शेयर कर सकते हैं। फॉलो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन कुछ अजीब सी हो गई है सर। वो आपका सिस्टम का में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी रूटीन में तो हम यही कुछ ही करते हैं, काम हमारा यही है। मैं जब ओपन करता हूँ तो वो वीडियो जो है वो शुरू हो जाती है। चले मैं इसको मैंने बंद किया। हाँ यस नो आई फाउंड, मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा पहली वाली को। Perhaps now I can share. Yes. ये आपको पसंद भी आएगी, वक्ता कुछ दोस्तों को पसंद ना आए। आप मेरी स्क्रीन नजर आ रही? Yes, sir. We can see. Okay, जी। तो प्लीज जरा इसे गौर से देखिए अरंजा का। Thank you.
हाँ जी, कैसा लगा ये क्लिप? हेलो, एम आई ऑडियोबल? जी सर। जी जी सर, कैसा लगा ये क्लिप? अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। टीम मैनेजमेंट, इट वाज अ टीम मैनेजमेंट, ग्रेट। व्हाट डू यू सी, कोई एक चीज जो आपको ज्यादा अच्छी लगी हो? पूरा क्लिप ही सर बेहतरीन था सर। हाँ भाई, ये तो है। थोड़ी सी आगे की बात करें, आपने उन लोगों के अंदर क्या चीज देखी? सर खुशी से जो है ना, वो अपनी पूरी टीम के साथ जो है ना वर्किंग कर रहे थे। वेल डन, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट। जो मैं आपको शुरू में जो अर्ज किया था कि अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे खुद खुश नहीं है तो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, टीम वर्क नहीं हो सकता। और डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अगर आप ट्रेनिंग के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो फिर बेशक ना करें, अनम्यूट, अदरवाइज स्पीक। जी शहरयार, आपने अपने आप को किया हुआ है, आप बताएं, आप अनम्यूट हैं। और कुछ लोगों को मैं अनम्यूट देख रहा हूं, बट पीपल नॉट स्पीकिंग, व्हाई? क्योंकि इसका एक मतलब ये भी है कि भाई ऑन करके दे आर डूइंग समथिंग एल्स, नॉट विद अस। जो अनम्यूट है वो आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली, तो आकिब साहब प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, स्पीक अप। आप अगर साथ में, फिर ये ट्रेनिंग तो नहीं होगी ना, ये तो फिर कुछ और ही होगा। जमशेद साहब झलक दिखा के फिर आपने अपने आप गायब हो गए। ओके, बताएं। एक तो उन्होंने कहा कि जी वो खुश थे, इसके अलावा कोई क्या चीज नोट की? सर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन इनका बहुत पिन पॉइंट क्रिस्प थी, बिल्कुल। वेल डन, बिल्कुल आतिफ साहब आपने ठीक कहा जी। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो अभी सामने नहीं आई। I can speak, but I want you to be with us. Yes? Synergy, sir. Achhi. Synergy? Aapne kya word istamal kiya? Synergy? Yes, sir. Yes, very right. Aur unki personality mein, libas mein kuch cheez nazar aayi? Haan ji, Koshish sahab, aap bhi unmute hain. अच्छा, और आपने ये नोट किया कि एक तो सब अपने काम के लिए तैयार होके आए हैं, जब वो एक से दूसरे को वो वही नोट ट्रांजिट होता था दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो उसको
अप्रिशिएट कर रहे थे, ठीक है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर फर्ज करें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट वहां हो तो क्या ये म्यूजिक जनरेट हो सकता था जो एक अच्छी शक्ल में हमारे सामने आया? ऑब्वियसली नॉट। व्हाट आई एम सेइंग कि टीम में कंप्लीमेंट्री स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपसे मुख्तलिफ लोग टीम स्किल सेट वाले लोग टीम के अंदर हों तो तब ये कंप्लीमेंट्री होगा, वरना अगर एक ही जैसे सारे टीम लोग जैसे लोग टीम में होंगे तो वो सप्लीमेंट्री स्किल्स हो जाएं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सप्लीमेंट्री की नहीं, हमें कंप्लीमेंट्री चाहिए होती है। जब आप कंप्लीमेंट्री स्किल्स की बात करते हैं तो आप अपने से डिफरेंट लोगों को अपनी टीम के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। और जैसे अभी एक दोस्त ने ये बात की कि जो क्वालिटी के ऊपर भी, तो वो भी एक तरह से आपकी टीम का हिस्सा ही है लेकिन आपसे डिफरेंट सोच रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव आपसे थोड़े मुख्तलिफ हैं कि वो अपनी कुछ कास्ट कम करना चाह रहे हैं, अपना कुछ टाइम कम करना चाह रहे हैं, अदरवाइज कमिटमेंट उनकी भी उसी प्रोजेक्ट के साथ है लेकिन द वे दे वांट टू अकम्पलिश द प्रोजेक्ट वो एज ए टेक्निकल पर्सन आप बेहतर जानते हैं, वो अपने फाइनेंशियल या दीगर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ज्यादा जो है वो ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं तो उसी के तहत सोच रहे होते हैं। तो अब इस कमिटमेंट को एक साथ लेके चलना कि उसकी जो कमिटमेंट है प्रोजेक्ट के साथ या जो वस्तगी है और जो आपकी है वो एक पेज पे आ जाए, ये है कम्युनिकेशन का इशू जो आपको खुद तय करना है कि दूसरे फर्द को आप उसके अंदर जो ख्वाहिश है इस प्रोजेक्ट के लिए उसको इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप बच्चे को करते हैं कि पढ़ाई पे करने के लिए, वो बच्चे हर घर में शोर मचा होता है, बच्चा कहता है मेरा तबीयत ठीक नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा, मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन आप कोई ना कोई उसे बहला के उसकी जो मोटिवेशन है उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा जो तुम आ जाओगे तो फिर हम तुम्हें ये लेके देंगे, हम फलां जगह तुम्हें लेके जाएंगे, और हम इस तरह से बच्चे को कन्विंस करते हैं। वहां हम अपनी कोई पुलिसमैन रोल प्ले नहीं कर पाते, अगर कभी कर भी लेते हैं तो थप्पड़ मार भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनको हैंडल करते हैं। इसी तरह से आपको अपने ये जो लोग हैं ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ यू, तो उनको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होगा। तो इसके अंदर एक क्लिप के अंदर आप अगर थोड़ा गौर करें ना तो आपको नजर आएगा कि एंड पे जो टीम लीडर था उसने क्या किया, उसने अपनी टीम को पेड रिस्पेक्ट पहले उनके सामने सर झुकाया कि आई कैन नॉट प्रोड्यूस दिस पीस ऑफ म्यूजिक विदाउट यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड देन दे पेड रिस्पेक्ट टू देयर ऑडियंस एंड दे कनेक्ट विद देम इमोशनली फिजिकली। ये वो बारीकियां हैं जो बाज़कात मिस हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इन छोटी ये क्लिप्स जो आपके साथ शेयर करने का मकसद था, एक तो ये था आप जरा रिलैक्स हो जाएं और दूसरी वजह ये थी कि हम इससे कुछ लेसन्स ड्रा कर सकें। अब चूंकि हमारे पास जरा कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस हैं वरना हम इस पे मजीद भी बात कर सकते थे। तो ये सैयद अली हसन साहब ने कहा है कि लीडर वाज एबल टू मोटिवेट द एंटायर टीम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि टीम खुद भी एक रोल प्ले कर रही है, दे कनेक्ट विद द लीडर, दे एक्सेप्ट द लीडर। हमारे यहाँ तो ये भी एक मसला रहता है अक्सर जगहों में मैं जब जाता हूं तो टीम अपने सुपरवाइजर या मैनेजर से खुश नहीं होती और बड़ी छोटी छोटी बातों पर वो उनकी नाराजगियां होती हैं जो प्रैक्टिकली होनी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि वजह ये हो, जरूरत क्यों नहीं है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि रोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है तो तरजीहात में फर्क आता है। जब हम एक दूसरे की तरजीहात
को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर हम हमारे अंदर नाराजगी और नाखुशी का एक सबब जो है वो पैदा होता है। तो जमशेद साहब ने बताया है कि समटाइम्स यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी बिजनेस एंड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है, तो यही तो एक्चुअली चैलेंज है। अगर ये चैलेंज ना हो तो फिर तो हमें टीम वर्क पे बात करने की या जो इतना लीडरशिप पे और मैनेजमेंट के ऊपर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इसीलिए जरूरत पड़ी है ना कि ये चैलेंजेस मौजूद हैं। लोग आपसे एक ही ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे होते हैं। तो वो कभी कास्ट की वजह से परेशान होते हैं, कभी अपने टाइमिंग की वजह से परेशान होते हैं, कभी अपने पब्लिक इमेज की वजह से परेशान होते हैं, कभी अपने कंपनी इंटरेस्ट की वजह से आपसे मुख्तलिफ सोच रहे होते हैं। बट दीज आर रियालिटीज। और उसके अंदर अपना रास्ता बनाना, और वो रास्ता आप अपने बिहेवियर कम्युनिकेशन से पैदा करना, अपने असूलों पे कंप्रोमाइज करके पैदा नहीं करना। जब आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, एक ट्रस्ट लेवल आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। अगेन हमारे मुल्क में माफियाज का एक रोल रहा है, वो है, हम उससे कोई ज्यादा भाग नहीं सकते, बट दिस इज ग्राउंड रियालिटी। अब मैं एक थोड़ा सा अपनी स्क्रीन की तरफ चलता हूँ, अपनी स्लाइड्स की तरफ, फिर वी विल शेयर समथिंग। जी लेट मी शेयर। हम यहां तो आए थे, अब आइए कि वेयर डू यू बिगिन विद इन योर टीम। ये मैं फुल स्क्रीन जानबूझ के नहीं कर रहा, इट इज रीडेबल टू यू, क्योंकि जब मैं फुल स्क्रीन करता हूं तो मुझे बाकी ऑप्शन जो है ना वो एक साइड पे चले जाते हैं। लेकिन लेट मी डू इट। सेट गोल्स विजिबल है? यस नाउ ओके। सेट गोल्स एंड मैट्रिक्स, बी क्लियर ऑन द आउटकम यू वांट द टीम टू अचीव, देन क्रिएट मैट्रिक्स दैट हेल्प ट्रैक अगेंस्ट दैट आउटकम। Role clarity of the team, of each member of the team is very important. आप उसे क्या चाहते हैं? असल में माइक्रो मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में यही फर्क है कि हम डे टू डे चीजों पे तो लोगों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो आउटकम है और उसके जो माइलस्टोन है उस पर हमारा फोकस कम होता है। अगर माइलस्टोन तय हो जाए कि कितनी देर में क्या टास्क आपने टेक्निकली करना है, वो अगर क्लियर हो तो फिर आपको माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है, फिर आप आउटपुट पे बात करते हैं। लेकिन अगर आपने आउटपुट, टास्क और टाइम, ये तीन चीजें एक मैट्रिक्स के सूरत में शेयर नहीं की हुई, तो फिर आपको डे टू डे में जाके लोगों से बात करनी पड़ती है, और वही तल्खी का सबब बनती है जब लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे पीछे पड़ गए। तो पर्सनल स्पेस देने का तरीका यही है कि आप अपने गोल्स, टाइम, बजट, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, ना कि आज क्या किया। सेकंड, इट इज अल्टीमेटली पीपल हु विल ड्राइव द प्रोजेक्ट एंड मेक इट सक्सेसफुल। मशीनरी के साथ साथ यू नीड टू फोकस ऑन द पीपल। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ काम करने में, तो सिर्फ मशीनें आपका आउटपुट आपको नहीं दे सकती। गेट आउट ऑफ द वे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट द टीम रन विद द गो। जब आप उनके साथ मैट्रिक्स शेयर कर लेते हैं जिसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव या आउटपुट लिखा हुआ है, टाइमलाइंस दी हुई हैं, बजट दिया हुआ है डेज का उसमें या टाइम का, और टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल कितनी है, कितनी टीम मेंबर चाहिए, चीजें जो तय हैं, तो नॉट यू डोंट हैव टू आस्क आफ्टर एवरी आवर और एवरी डे कि आपने किया क्या है। और आप ये उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जो कि यार हम रोज अपना ये टाइम मीटिंग नहीं खेल सकते। आपके सामने चीजें आ गई हैं, इफ यू हैव अ क्वेश्चन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू। लेकिन अगर क्लैरिटी के बाद अब हम उस वक्त बात करेंगे जब इसके रिव्यू का टाइम आएगा, तो
आई एम नॉट सेइंग कि आप रिव्यू ना करें, रिव्यू अलग चीज है, जो आप एक मखसूस वक्त के बाद, मसलन अगर कोई महीने का प्रोजेक्ट है तो आप वीकली भी कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, लेकिन वीक के एवरी डे करना ये टीम को अन्याय करता है। ये बात हमने आपसे कर ली है कि एक मैट्रिक्स बनाए कागज के ऊपर लोगों के साथ, माइलस्टोन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट उसके साथ तय होना बहुत जरूरी है। अब मैंने जैसे आज किया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिहेवियर साइड, अब आइए जरा कि एक जो इंडिविजुअल टीम मेंबर है उसके साथ बाकी लोग किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। अब आपको ये स्क्रीन को मैं फुल करता हूं, आपके सामने अगर कागज पेंसिल हो तो आपने अपने आप को असेस करना है। ये जो असेसमेंट है इसमें एक स्टेटमेंट है, आप कहां खड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5 पे, जहां हम उसको सर्कल कर देंगे। अच्छा, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द रिजल्ट ऑफ दिस असेसमेंट और दिस एक्सरसाइज, ये आपके पास रहेगी। सो बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर एंड प्रिसाइज एंड ऑनेस्ट इन योर आंसर्स, क्योंकि ये आपका कोई और रिजल्ट नहीं देख रहा, ना हम आपसे रिजल्ट पूछ रहे हैं, तो आपको जो है इस पर करें। तो जो सबसे पहली चीज आएगी, आप अगर पूरा ना लिखना चाहें तो कागज के ऊपर सिर्फ ये कर लें कि सीरियल नंबर, जैसे ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, 1, और इसके आगे जिस नंबर को भी आपने सर्कल किया है, सर्कल करना चाहते हैं वो नंबर लिख लें, मतलब वो 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 5 हाईएस्ट मार्क्स हैं और जो 1 है वो कम से कम मार्क है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है, टीम मेंबर्स फील्स इजी टू डिस्कस विद मी, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं क्या वो कंफर्टेबल होते हैं, इफ दे वांट टू टॉक टू यू। आप सितारों का लगा दो, प्लेट नंबर सीरियल नंबर 1 लिखिए और उसके आगे जो भी नंबर आप अपने आप को देना चाह रहे हैं वो आगे लिखिए। मेरी आवाज आ रही है जी सबको, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं है ना? आ रही है, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। आप 2 नंबर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 नंबर नहीं है, नंबर सीरियल नंबर 2 है। इन डिफिकल्ट टाइम पीपल कम टू मी, लोगों पे जब कोई डिफिकल्ट टाइम हो, एनी योर सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, कोलीग भी हो सकता है, तो वेयर यू रैंक योरसेल्फ। अच्छा जी, स्टेटमेंट नंबर 3, कोलीग्स शेयर पर्सनल मैटर्स विद मी, 3 नंबर स्टेटमेंट, कोलीग्स शेयर देयर पर्सनल मैटर्स विद मी, मुझे पता चला कि आप लोग क्यों लोगों से माइक जो है वो म्यूट रखते हैं। इंश्योर करो को पहले वाले पिक्चर व्हाट्सएप पे का मत नाम तो हुआ पर चाहता हुआ, तो इनसे गुजारिश करेंगे ये अपना बंद कर लें, इफ दे आर बिजी इन वर्क तो दे शुड म्यूट देमसेल्फ। अच्छा जी, 4 नंबर, इफ समवन मेक्स अ मिस्टेक कैन टॉक टू मी, वो अपनी गलती मुझसे शेयर कर सकता है। 5 लास्ट स्टेटमेंट, टीम मेंबर्स शेयर जोक्स विद मी, हल्की फुल्की बजाइया गुफ्तगु भी होती। अच्छा जी, अब इसको टोटल कर लें, मार्कस मैक्सिमम मार्क्स हैं 25, 5 × 5
जिन साहब के 25 मार्क्स हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स। Anyone? No one? Joe. Yes. Khalid Bhatti sir. जी जरा हाँ बिल्कुल Khalid Bhatti sir मैं आपको देख रहा हूँ। आप जरा explain करें कैसे आपको पता चला कि लोग feel comfortable discussing with you? How did you know it? Khalid Bhatti sir आपकी आवाज नहीं आ रही। माशाल्लाह वी अप्रिशिएट यू गॉट द 25 मार्क्स इन सेल्फ असेसमेंट लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। देयर इज सम टेक्निकल इशू। चेक योर स्क्रीन। Khalid Bhatti sir यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स एंड आई विल कन्वे। देयर इज सम नहीं वो तो हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को असेस किया है लेकिन अब वो तो वॉइस से ही बात होगी ना। जी सर प्लीज सर इट्स नॉट मी ये मेरे से जो नेक्स्ट साहब है वो है ये मेरी तरफ से अनम्यूट नहीं हुआ है सर। अच्छा नहीं अब आपकी आवाज आ रही है। नाउ यू कैन टॉक प्लीज। यू कैन टॉक टू योर वॉइस इज नाउ ओके। ये बटी सर मेरा मेरे 25 नहीं है मैंने तो अपनी असेसमेंट की है मेरे तो 17 मार्क्स बन रहे हैं बट वो जो साहब मुझसे आगे नेक्स्ट हैं मुझे विजिबल नहीं हो रहे उनके 25 कर रहे हैं ये स्क्रीन पे। आप बात करेंगे कि आपने अपने किन चीजों को देखते हुए कोई आपका एक्शन के आप समझते हैं कि पीपल फील कंफर्टेबल विद यू दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद यू हाउ हाउ डू यू असेस दिस। अस्सलामुअलैकुम सर इस तरह है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे प्रोफेशनल कलीग मेरे पास आते हैं मैं उनको प्रोफेशनल वे के साथ बात करता हूँ। अगर कोई इंजीनियर आता है कोई मोस्टली चूंकि हमारी इंजीनियरिंग कंपनी है तो मैं सबसे पहले उस इंजीनियर का यानी उसका जो इंडिविजुअल का उसका जो है कोई उसको देखता हूँ उसको किस वक्त ये क्या फील कर रहा है। तो सबसे पहले मैं उसको जब मेरे पास कोई बंदा आता है मेरे ऑफिस में तो मैं उसको रिलैक्स करता हूँ उसको ऐसा एटमॉस्फेयर देता हूँ कि एक फ्रेंडली एक बॉस और उसका सबॉर्डिनेट का माहौल ही देता हूँ एक कलीग का जो है माहौल देता हूँ। मैं ये तो मैं सीनियर हूँ मैं चीफ इंजीनियर हूँ तो कलीग मेरा जूनियर इंजीनियर है नहीं मैंने कभी उनको ऐसा नहीं दिया कि यार मेरा और आपका एक रिश्ता है प्रोफेशनलिज्म का। तो उससे सबसे पहले वो माइल हो जाता है सही के बाद फिर मैं आगे उसको चलता हूँ उसका जो मसला है उसको मैं पिक करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग जानते भी हैं मेरे नस्पाक में बहुत से लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं एक एसोसिएशन से वाबस्ता रहा हूँ। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब लोग आते हैं मैं उसके इसके साथ सिंसियरली देखें सर इसमें मेरा अपना ये रही आ रहा है हज़रत सल्लम की हदीस है कि जब तक आप किसी के साथ रास्ते पे ना गए हो सफर ना किया हो और या मामला लेन देन ना हो किया हो उस वक्त तक उसके बारे में कायम राय कायम ना करे एक चाहे कि तब से आपसे कोई मानूस नहीं होता जब तक वो बंदा आपके साथ एफिलिएट होता है वो कहते हैं यार ये तो मेरे साथ सिंसियर है एफर्ट्स कर रहा है अब ये काम होता है या नहीं या मैं उसका मसला हल करता हूँ या नहीं लोग इस चीज को। वेल डन बहुत बहुत शुक्रिया नौरोज साहब आपने बहुत अच्छी बात की। दिस इज व्हाट आई वांट के जी आप लोग माशाल्लाह सीनियर लोग भी बैठे हैं आप जब शेयर करेंगे तो वो चीज ज्यादा हमारे लिए मीनिंगफुल है और हमारे लिए ज्यादा लर्निंग का सबब है। इट्स नॉट जस्ट इट्स लाइक जी कुछ खालिद साहब आप भी बात करना चाह रहे हैं। जी सर मेरे टोटल 17 मार्क्स हैं इसमें वन बाय वन मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। ये जो पहला क्वेश्चन था कि टीम मेंबर फील इजी टू डिस्कस सेम जो नौरोज साहब ने बात की है कि जो भी जूनियर आता है हमारे पास क्योंकि हमारा ज्यादा इंटरेक्शन होता है
पैरा प्रोफेशनल्स के साथ साइट्स के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर ठीक है तो वो ज्यादा फिर इतने यूज टू नहीं होते सम टाइम उनका कॉन्फ्लिक्ट या एक कॉन्फ्रंटेशन बनती है बिटवीन क्लाइंट्स के जो लोग स्टाफ होते हैं उनके साथ तो उनकी जो इश्यूज होते हैं उनको फिर कूल डाउन करना पड़ता है उन्हें अमिकेबली सेटल करना पड़ता है इसमें सम टाइम ईगो भी आ जाती है तो इसमें मैं कोशिश होती है कि अपने स्टाफ को उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहे ताकि एंड प्रोडक्ट हम अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें सही दूसरा सर वो दूसरा पॉइंट है डिफिकल्ट टाइम में मैं हाँ बिल्कुल लोगों को अकोमोडेट करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ सम टाइम मैं फाइनेंशियल टर्म्स में भी करता हूँ कई ऐसे दोस्त आते हैं उनके प्रॉब्लम होते हैं तो इस तरह जो पर्सनल मैटर्स हैं अप टू सम एक्सटेंड बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि वो हम एक बैरियर भी है उससे आगे नहीं जा सकते तो वो उस हद तक हम करते हैं जरूर इसी तरह जो मिस्टेक्स हैं उस पे मैं बहुत ज्यादा लड़कों को या अपने जो स्टाफ है उनको करता हूँ अकोमोडेट ये ठीक है आपसे गलती होगी या गलती नहीं होगी तो फिर आप सीखेंगे नहीं तो मुझे ना बहुत बात नहीं है बट ये है कि गलती के बाद उसको रिपीट नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस अपनी पावर्स को डेलीगेट करें ये हमने ट्रेनिंग में भी वैसे ये चीज लर्न की है और ये हमारा अब तक का एक्सपीरियंस भी है कि जब तक हम हर चीज को अपने उसमें रखते हैं उस फिर हम डिलीवर नहीं कर पाते तो अपने जो कोलीग या जूनियर होते हैं उनको अपनी पावर्स डेलीगेट करें ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो फिर डिलीवर करें और फिर यही टीम वर्क होता है और जोश की जो लास्ट पॉइंट है वो मतलब अप टू सम एक्सटेंट बहुत ज्यादा नहीं वो भी जरूरी होता है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा उसके साथ रखेंगे डिस्टेंस रखेंगे या खुश्क माहौल होगा तो वो उसमें भी मजा नहीं आएगा काम करने का टीम का यही मजा होता है कि उसके अंदर लाइट्स जोक्स भी चलते रहे सो दिस इज द पॉइंट जी जो मैं शेयर करना चाहता था नहीं बहुत बट्टी साहब अच्छे पॉइंट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं और मैं इसलिए चाह रहा था कि आप लोग पार्टिसिपेट करें तो बाकी जूनियर्स के लिए ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये आपने जो बात की आप देखें जैसे आपने कहा कि भाई जोक्स हैं लेकिन एक हद तक अब हमारा इशू ये है कि जब खासतौर पर सीनियर हमारे साथ थोड़ा सा फ्रैंक होता है तो बहुत सारे लोग उसको फार ग्रांटेड लेते हैं तो उसके लिए ये एक बड़ी फाइन सी लाइन खींचनी पड़ती है बंदे बंदे को देख के कि कुछ लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट में फिर भी कमी नहीं आने देंगे कि वो समझते हैं कि अगर ये जोक्स मेरे साथ शेयर कर रहा है तो ये इसकी मेहरबानी है ये मेरा कमाल नहीं है कुछ खुशफहमी ये होती है कि ये मेरा कमाल है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऐसा बन रहा है तो इसलिए दूसरी बात ये है कि जब हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं आपने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे नुक्ता दिया कि एक हद तक बिल्कुल एक हद तक ही होना चाहिए वरना क्या है कि यहाँ हमें तजुर्बात हमारी जिंदगी में भी इसी तरह से आए क्योंकि मैं एक कंसल्टिंग पोजीशन से काम करता हूँ तो बहुत हजारों लोगों से इंटरेक्शन होता है कि लोग फिर एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि आप मेरी स्पाउस के साथ गड़बड़ हो गई है तो भी उसमें आप चाहें अब उनके घर में फलां बीमार हो गया है तो उसको भी केयर करें जो ये काम हमारे नहीं हमारे काम है किसी मेजर प्रॉब्लम में एक प्रोफेशनल रहते हुए हम उनको सपोर्ट करें तो अगर वो फाइन लाइन क्रॉस हो जाएगी तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी लोग उसको नेगेटिवली ले रहे होते हैं तो वो हमें बहुत हमारी सोसाइटी में ये चीजें ऊपर नीचे बहुत होती हैं वी नीड अ फाइन लाइन ऑलवेज तो यही इस एक्सरसाइज से मकसूद था कि हम आप सब दोस्तों से शेयर करें कि बेसिकली जो टीम माहौल है वो आपने खुद सेट करना है अपने बिहेवियर्स अगर आप बहुत ज्यादा जोश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं कि फनफेयर लीडरशिप उसको लोग सीरियसली नहीं लेते और अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो लोग कंफर्टेबल ही नहीं होते जब वो कंफर्टेबल ही नहीं है तो मिस्टेक भी नहीं बताएंगे और वो कोई और आपको बताएगा और उस वक्त शायद आपके इख्तियार में नहीं होगा कि आप उसको करेक्ट कर सकें या उसकी बहुत ज्यादा कास्ट हो जाएगी तो एक दरमियान का राह हमें इख्तियार करनी पड़ती है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हजरत मुझे बताइए कि मुझे कैसे पता चले कि जो मेरा मुखातब है वो मेरे मतलब क्या सोचता है और बड़ा कमाल जवाब दिया जो मुझे मॉडर्न लिटरेचर में कहीं नजर नहीं आया मैंने साइकोलॉजिस्ट से भी बात की और जो कोचेज होते हैं जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड लोग उनसे भी बात की कि हाउ वी डील विद पर्सन टू नो कि ये बंदा मेरे मतलब क्या सोच रहा है
लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल हिकमत अता की हुई थी इन बुजुर्गों को। तो हजरत अली का बड़ा खूबसूरत जवाब था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहने लगे तुम ये देखो कि तुम उसके मतलब क्या सोचते हो, जो आप सोचते हो वो उसको मिरर कर रहा होता है। और आप सोच लीजिए, मैंने तो ये तजुर्बा करके देखा कि व्हेन आई थिंक नेगेटिवली, जब मेरे अंदर कुछ ग्रजेस होते हैं तो दूसरी तरफ भी ऐसी ही कैफियत होती है। व्हेन आई एम ओपन आई एम सिंसियर, ये फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ सकता है कि मैं आज उसके साथ ओपन और फ्री हूं, वो शायद इसको समझते हुए दो दिन लगा दे कल मुझे रिस्पॉन्ड करे। कुछ लोग आपको फौरी उसी तरह का रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, कुछ देर से देंगे, कुछ आपको टेस्ट करके आपको रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन होगा वही जो आपके अंदर आपकी नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स जो हैं ये जाके दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। आप इसको साइंटिफिकली करके देख लीजिए। टीम बिल्डिंग में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, इस वक्त कुछ 70-80 थेरीज आ चुकी हैं, लेकिन इस एक जुमले ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कमाल की बात कही है वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम उनके मानने वाले हैं, तो वहां से हमें बड़ा एक खजाना हमें मिल रहा है। तो अपने आप को करें। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। मैं साबित करता हूँ कि जो आप कर रहे हैं वही रिस्पॉन्स आगे से आता है। अब मैं इसको साइंटिफिकली आपसे बयान करने के लिए आपके साथ एक क्लिप शेयर करता हूं। Yes, sir, I mean, I have an issue. No, मुझे थोड़ा सा इसको, अब मुझे हैंडल करना आ गया है। जी सर। अच्छा, ये एक जो जैसे अब तो पाकिस्तान में भी लाहौर में आप लोगों के खासतौर पर वो ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी है, ऑरेंज ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है इसको जरा देखिए। नाउ आई थिंक विजिबल, इजंट इट? यस सर। ओके, मैं इसको शुरू कर रहा हूं, देखें। हाँ जी, देखा आपने कि एक फर्ज जो अपने टैब पे कोई मजाया चीज देख रहा है उसके हंसी ने सब लोगों को हंसने पे मजबूर कर दिया। और आप ये भी नोट करें कि उसके अंदर मुख्तलिफ आपको चीजें नजर आएंगी। कुछ लोग फौरन उसके हंसने पे हंसने शुरू हो गए, कुछ लोगों ने जरा एक वियर्ड लुक दी, उसको घूर के देखा, कुछ लोगों ने कुछ देर के बाद हंसना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने फौरी किया, कुछ ने देर से किया, बट अल्टीमेटली एवरीबॉडी स्टार्ट लाफिंग। हालांकि वो अभी किसी से बात तो नहीं कर रहा, ही इज नॉट शोइंग व्हाट ही इज वॉचिंग, व्हाट ही इज लिसनिंग। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि लोग हंसना शुरू हो गए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये होगा। तो जो आप बिहेव करोगे वही चीजें आपके सामने आएंगी। आप पॉजिटिवली बिहेव करेंगे पॉजिटिव चीजें आएंगी, आप नेगेटिव बिहेव करेंगे आपको नेगेटिव चीजें नजर आएंगी।
बट यू हैव टू डिसाइड कि आप अपनी टीम के साथ कैसे रहना चाहते हैं, वही ट्यून जो है वो सेट हो जाएगी और उसी को आप लेके चलते हैं। तो ये कहना जो बहुत सारे मैं सुपरवाइजर को भी देखता हूं, तो जब मैं उनसे बात करता हूं कि लेट मी नो आई एम गोइंग टू स्पीक टू योर टीम, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, और वो अक्सर वही बातें कर रहा होता है, उनसे चाह रहा होता जो खुद नहीं कर रहा होता। हालांकि अगर वो खुद स्टार्ट कर दे, जैसे अभी पिछले दिनों एक हमारे एक जानने वाले आलिम हैं, बड़े मोहतरम हैं, उनका एक वीडियो क्लिप था कि आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, और आप उनसे एक सिविलाइज्ड बिहेवियर चाह रहे हैं, डिसिप्लिन चाह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है मैं आपको बताता हूं। और जो बात उन्होंने बताई वो ये थी कि जो आप बच्चों से चाह रहे हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट एडवाइस, क्योंकि चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग नॉट बाय एडवाइस। इसी तरह से टीम्स बिहेव करती हैं द वे दे आर सुपरवाइज्ड। टीम विल बिहेव विद यू द वे यू बिहेव विद अदर्स। अगर आप एग्जाम्पलरी एक रोल मॉडल लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दूसरे, हाँ देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली दे विल बिहेव विद यू द वे यू वॉन्ट। ये आप डिक्टेट नहीं कर सकते, डिक्टेट करके आप शायद एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट ले लें, लेकिन रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म टीम्स के लिए जरूरी है कि वो अपने बिहेवियर से दूसरों को समझाएं, ना कि अपनी स्पीच से दूसरों को समझाएं। सो व्हाट वी वांट फ्रॉम ए इंजीनियर इन हिज हर टीम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ द टीम। इंडिविजुअल तो आप कर रहे हैं, लेकिन टीम की सक्सेस को आपने देखना है। डिलीवर्स ऑन कमिटमेंट्स, कंट्रीब्यूट्स टू द डिस्कशन। जो लोग खामोश रहते हैं या वो समझ नहीं पाते, वो दूसरों से डिस्टेंस पे चले जाते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। जब वो कंट्रीब्यूट नहीं करते तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो बाद में कहते हैं ये तो यूं नहीं होना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग। वी नीड टू पिन पॉइंट द पर्सन जो मीटिंग के बाद आके बातें कर रहा हो टीम में, यार ये तो हमने डिस्कस किया, भाई आपको वहां बात करनी चाहिए, वहां डिसएग्री करना चाहिए था, लॉजिक के साथ करना चाहिए। आफ्टर द मीटिंग यू कैन नॉट से लाइक दिस, लिसन एंड आस्क हेल्पफुल क्वेश्चंस। इसको हम कहते हैं प्रोबिंग स्किल्स, ये बड़ी जरूरी है। जब कोई अपना नुक्ता नजर बयान करता है तो immediately you don't have to react in two manner. Usually we respond in two things, either we accept or we disagree. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, first understand by probing कि आपका ये मतलब है, कि आप ये कहना चाहते हैं। specifically आप timelines की बात कर रहे हैं, आप machinery की बात कर रहे हैं, आप किसी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जब तक वो पूरी तरह आपके सामने खुल के ना आ जाए, आपको एग्री और डिसएग्री करने की जरूरत नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट वी शो व्हाट इज इनसाइड डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट एंड देन ट्राई टू कोलैबोरेट। नहीं, कोलैबोरेशन वो मनफी हो जाएगी। पहले प्रूव करें कि चीजें आपके सामने खुल के आ जाए, वो अंदर से क्या चाह रहा है, उसका हिडन एजेंडा भी है तो वो आपके सामने आ जाए, देन एग्री एंड डिसएग्री। तो ये आपके लिए बेहतर एक टीम माहौल क्रिएट होता है। मैसेज, ये कम्युनिकेशन की बार बार मैं बात कर रहा हूं, टाइम नहीं जा रही थी, एक दो स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा। गिव्स एंड रिसीव्स यूजफुल फीडबैक, बात करने के बाद ये कंफर्म करना कि आप यही समझे, आप इन फिगर से इत्तेफाक करते हैं, आप टाइमलाइन से एग्री करते हैं, आप इन मटेरियल्स पे एग्री करते हैं कि इट इज यूजफुल फॉर आवर प्रोजेक्ट, यू वांट टू चेंज द स्टैटिस्टिक्स आर द मेजरमेंट आर एनीथिंग,
टॉप में ही राइट में, ये फीडबैक देना और लेना बड़ा जरूरी है। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो टीम है, आप अपने डिपार्टमेंट को इसको गौर कीजिएगा, आप दूसरी टीम में चले जाएं, दूसरी डिपार्टमेंट में चले जाएं, नई प्रोजेक्ट टीम के साथ असाइन हो, तो ये आपको 3-4 प्रोसेस उसमें नजर आएंगे। क्योंकि टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए और थोड़ा इजी कर देता हूं चीजों को। यूजुअली 4 स्टेजेस टीम बिल्डिंग की होती हैं किसी भी टीम में जब आप काम करते हैं, लेकिन यहां चूंकि प्रोजेक्ट बेस्ड डिस्कशन हम 5 स्टेजेस की बात करें। पहली स्टेज होती है ओरिएंटेशन। जब आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेज 1 फार्मिंग। ओरिएंट होते हैं, ये तारफ होता है, काम की बात होती है, रोल्स की बात होती है, तो ये एक फार्मिंग है। अब ये डिपेंड करता है कि फार्मिंग कितने दिन या कितने महीने ले जाए या सिर्फ एक निश्चित में तय हो जाए। अगर कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है, टू दी पॉइंट है, रोल मैट्रिक्स बने हुए हैं, राइटिंग में हमारे पास चीजें मौजूद हैं किसने क्या करना है, तो फार्मिंग बिकम इजी। एवरीबॉडी विल इजीली अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स। नंबर 2, डिससैटिस्फैक्शन। इसको हम स्टॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं या नया बंदा टीम में आया है, तो वो किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, वेलकम जी, आज ये आपको मसला हो तो मुझे बताएं। लेकिन जैसे काम शुरू होता है तो डिसएग्रीमेंट भी शुरू हो जाता है। ये स्टॉर्मिंग स्टेज होती है, इख्तलाफात होते हैं, नहीं जी मैं तो जहां मैं ऐसी तो झक नहीं मारी, मैंने ऐसे तो बाल सफेद नहीं किए, तो हर कोई अपनी राय इम्पोज करने की कोशिश करता है। ये एक स्टॉर्मिंग स्टेज कहलाती है। अब अगेन अगर ओरिएंटेशन अच्छी है तो स्टॉर्मिंग जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। इख्तलाफ तो होगा, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा प्लान जो राइटिंग में मौजूद है, वो इख्तलाफ को सेटल करेगा। लेकिन अगर चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो इख्तलाफ को सेटल करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये स्टेज लंबी होती चली जाएगी। तीसरी स्टेज है रेजोल्यूशन, जिसको हम नॉर्मिंग कहते हैं। तो कुछ इख्तलाफात होते हैं, देन वी रियलाइज कि यार अब काम तो करना है, लड़के भी करना है, सुलह से भी करना है, इख्तलाफ करके भी करना है और डिसएग्री करके भी करना है, तो व्हाई नॉट हम, तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हिज हर लिमिट्स एंड रोल एंड आल्सो अंडरस्टैंड कि मैं दूसरे के साथ किस हद तक डिस्कशन में जा सकता हूं, कितना हार्ड या सॉफ्ट हो सकता हूं। तो फिर स्टॉर्मिंग जो है वो नॉर्मिंग की तरफ आके रेजोल्यूशन की तरफ चली जाती है। कुछ थोड़ी बहुत हम स्टॉर्मिंग के दौरान चेंजेस भी कर लेते हैं लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, तो वो भी रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाती है। अब चौथी स्टेज पे जाके प्रोडक्शन यानी परफॉर्मेंस शुरू होती है। पहली 3 स्टेजेस हम सिर्फ टीम अप हो रहे होते हैं, और चौथी पे आके हमारा रियल काम शुरू हो जाता है, वो कंस्ट्रक्शन का हो, वो मैकेनिकल हो या कोई दीगर तरह का। एंड फाइनली टर्मिनेशन के एच्योरिंग होती है, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप लोग वापस अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं जहां से ओरिजिनली आ पाते हैं। तो ये 5 चीजें हैं। अब जो बात आपसे डिस्कशन करने का मकसद है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि पहले सब अच्छा होगा, फिर डिस एग्रीमेंट शुरू हो जाएंगे, तो उसको दिल पे नहीं लेना, उसको ओरिएंटेशन के जरिए से स्टॉर्मिंग को नॉर्मिंग के अंदर बदलने की कोशिश करनी। ऑलवेज एक्सपेक्ट कि डिसएग्रीमेंट होगा, ये ह्यूमन है, ये मशीनें नहीं है कि जो भी आप कमांड देंगे वो करेगी, नहीं, इंसान इस तरह से नहीं बने। तो यहां ट्रेनिंग में हम जब इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो हम मेंटली या एक दूसरे को प्रिपेयर करते हैं कि स्टॉर्मिंग के लिए हमेशा तैयार है। ये मीटिंग्स के अंदर भी होता है, आप किसी एक मौजू पे इकट्ठे होते हैं तो बात शुरू होती है तो इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, जबकि फिर यहां कैसे उसको कंट्रोल करें, वो यही है कि ओरिएंटेशन को बेहतर करें, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें, लेट देम पीपल स्पीक, लेट देम ओन द डिस्कशन ऑफ द मीटिंग और द प्रोजेक्ट। जब लोगों की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है वो उसको ओन करते हैं,
हम क्यों कहते हैं कि जी डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो ज्यादा कामयाब होती है? डेमोक्रेटिक में लोग ये समझते हैं कि ये हमारे फैसले हैं जो हमारे जरिए हो रहे हैं, और जो डिक्टेटर होता है उसके फैसले उसके जाती होते हैं, उसको हम ओन नहीं करते। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि आपके हाँ टीम डिस्कशन के अंदर आप इसका ख्याल करें। अब टीम को पर डिस्टर्ब करने वाली डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्या है, इसको आपने मार्क करना है। बहुत अग्रेसिव होना, ऊंचा बोलना, ब्लॉक करना, दूसरे को बात करते अपनी बात शुरू कर देना, अगर वो अपनी करनी भी है तो सॉरी करके बात की जा सकती है, दूसरे की कारकर्दगी को कम दिखाना, यह भी ब्लॉकिंग है, इससे भी लोगों की डिसफेक्शन होती है। सिंपैथी, और वक्त दिया यार मेरे हालात ये थे, वो बच्चे को ये हो गया था, रास्ते में ये था और वो था, एक सिंपैथी जो है वो कुछ लोग जो है वो हमेशा दे लुक फॉर इट, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ना करो। ट्रैफिक दुनिया के हर मुल्क में, और इसके बावजूद मैं हर रोज मुझे भी लोगों को अपनी टीम से सुनना पड़ता है कि जी ट्रैफिक बढ़ी है, हालांकि हमें हाँ हमें सबको पता है कि रश आवर कौन से, तो हम अपने आप को मैनेज नहीं करते और चाहते हैं कि ट्रैफिक जो है वो ठीक हो जाए। तो भाई आप अगर ठीक 8:30 बजे घर से निकलेंगे तो ट्रैफिक तो होगी, 8 बजे निकल आए, 7:45 बजे निकल आए, वहां हम अपने आप को ट्यून अप नहीं करते। और वहां और सिंपैथी जो है वो हम सीख करते हैं, सिंपैथी लेने वाले इंडिविजुअल कभी प्रोफेशनल नहीं होते, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती जो हमारी तरह मांग रही होती। तो सिंपैथी से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ एंड वी हैव टू मेक अदर्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यार ये हर वक्त ये कि मारे गए महंगाई होगी ये होगी, इस किस्से को छोड़े, लेट्स फोकस ऑन दी बात कंपीटिंग विद इन टीम, पॉजिटिव कंपटीशन, बेहतर करने की ख्वाहिश, दिस इज गुड। लेकिन ऐसे कि दूसरे को लेट डाउन किया जाए, उसको ह्यूमिलेट किया जाए और मैं ही मैं नजर आऊं, दिस इज रॉन्ग। ये जिसके अंदर ख्वाहिश है उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, एक तरफ ये है कि या तो हम अपने आप को नंबर वन देखना चाहते हैं, या ये है कि अच्छा यार दो तुम्हारी मर्जी कर लें, मैं तो नहीं हूं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, ये विड्रॉल है। इट विल नॉट सॉल्व एनीथिंग, इट विल नॉट रिड्यूस योर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू शो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्टरिस्टिक, दैट इज इंपॉर्टेंट। सीकिंग रिकॉग्निशन, कुछ लोगों को आगे रहने का बहुत शौक होता है, वो दूसरों के काम भी जो है वो अपने नाम से आगे करते हैं, ये चीज बहुत जुल्म है दूसरों के साथ। जिसका ड्यू क्रेडिट बनता है उसको जाना चाहिए। और मैंने आज तक कोई ऐसा टीम लीडर नहीं देखा इन 15-20 साल में जिसने अपने कोलीग्स और टीम को रिस्पेक्ट दी हो, उनको नुमाया किया हो और वो खुद बेइज्जत होकर रह गया, ये हो नहीं सकता। जैसे अभी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मैंने कॉल आपसे शेयर किया, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ये मुमकिन नहीं कि वो आपके लिए अच्छा ना सोचे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों से भरी हुई, तो कूड़ा फेंके तो भी जो है वो आपने उसकी आदत कर ली, बुरा भला कहे तो भी आपने उसके जवाब में जवाब देनी, किसी ने पत्थर मारे तो भी अल्लाह के फरिश्ते आके गए हम इनको तबाह करने, कहा नहीं। तो ये जो इस लेवल तक पहुंचना है ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप जब लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो आप आसानी से उनके साथ टीम अप हो सकते हैं, और एक वक्त के बाद आप खुद अपनी इस सिचुएशन को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर तमानियत आ जाती है, सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि आप दूसरों के लिए खैर का जरिया बनते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका टीम, आपका प्रोजेक्ट कामयाब होना शुरू हो जाता है। दैट सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वन्स बिहेवियर जो उसे मिलता है। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे गोल्स क्लियर नहीं है, एक दफा डॉक्यूमेंट पढ़ा फिर उसको टेबल पर रख दिया, रोल्स क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो चूंकि बनते ही नहीं है किसी से, वीक रिलेशनशिप है, तो वो जो गोल्स हैं वो भी सफर हो रहे हैं। जैसे आप हमारे यहाँ सियासतदानों में जूतियों में दाल बांट रहे हैं, मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है, वेयर वी आर गोइंग,
economically or politically as a nation. Distance leadership. Aap logon ke kareeb nahin. People do not feel that you are part of them. Ye ehsaas karna hai. Aur iske upar humne char panch cheezein jis pe aapne apna ko assess bhi kiya wo discuss ki hain unko yahan pe aapko lana hoga. Unbalance in power and influence. Dekhiye do cheezein hain. As a team leader, khas taur aapke paas do power hain, aap kaun si istemal karna chahte hain. Ek power hai power of your rank. Ke people are forced to follow you, people are forced to listen you by duty. Aur ek dusri power hai aapki personality, aapka dusron se respect ka relationship, khair khahi ka, welfare ka, well wisher hone ka relationship. आप उससे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आप अपनी पावर से भी कर सकते हैं. एट सम टाइम्स यू नीड अ बैलेंस ऑफ दैट, क्योंकि अगर दूसरा फर्ग एक अनकल्चर्ड असमंजस से अनफॉर्चुनेटली आया है तो आपको अपनी रैंक पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्टर, पर्सनैलिटी, बिहेवियर होना चाहिए. तो आप देखोगे कि आप ज्यादा तेजी से अपनी टीम को लेकर चल सकते हैं. इनएडिक्वेट स्किल्स. टीम में अगर बैलेंस नहीं है कि जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं वो अपने अपने काम को, वो डिजाइन साइड का हो, मैकेनिकल साइड का हो, सिविल साइड का हो, वो जिस तरह के भी उनकी स्किल्स चाहिए, वहां आपको टीम के अगर स्किल मैच प्रॉपर नहीं तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे. कम्युनिकेशन पर हमने पहले भी बात की. कॉन्फ्लिक्ट, ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट दो तरह के. एक कॉन्फ्लिक्ट है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी टास्क को करते हुए. कोई कहता नहीं जी ये बेहतर होगा हम दो दिन एलोकेट कर लें इस वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए. तीसरा कहेगा नहीं मेरे ख्याल में तीन दिन हो, दो दिन हमारी टीम बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी, मौसम का एतबार. ये इख्तलाफ हो सकता है, ये नेचुरल है, पर इसको अप्रिशिएट करें. लेट द पीपल स्पीक एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस और उसको लॉजिकली आप हैंडल कर सकते हैं. ये खैर का एक डिस्प्यूट है. और एक कॉन्फ्लिक्ट है जो बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी की तारीफ मेरे सामने, इस वजह से मैं खार खाने लगता हूं. मैं एक कॉन्फ्लिक्ट खुद को खुद क्रिएट, जिसको हम कहते हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. मीटिंग में बैठे थे, एक लतीफा सुनाया जो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी आता था और मैंने उसे दिल में कॉन्फ्लिक्ट को रख लिया. क्या इसको मैंने मजा चखाना है. This is wrong. Lack of motivation. अगर आप अपने काम से, जैसे म्यूजिक की हमने आपसे शेयर की थी, अपने काम से खुद मोहब्बत नहीं, उसके लिए आप तैयार नहीं डेली होते, मजबूर होकर काम पे नहीं जाते, शौक से जाते हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आपका टीम रोल नेगेटिव रहेगा. सो सेल्फ मोटिवेशन इज फर्स्ट स्टेप. मोटिवेशन बाय द टीम लीडर इज अ सेकेंड स्टेप. अगर लीडर या टीम सुपरवाइजर नहीं भी आपको मोटिवेट कर रहा तो यू आर नॉट पेड टू गेट द मोटिवेशन, यू आर पेड टू डू योर वर्क, यू आर सेल्फ यूजिंग योर सेल्फ मोटिवेशन. तो हमें इस फर्क को वाजे करने की बहुत जरूरत है. अब ये देखिए, एक आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये बोइंग की जो कंपनी है, ये उनके कॉपरेशन टीम रूल्स है. अब शायद आपको वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं कि वो अपने मेंबर से क्या तवक्को करते हैं. मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स प्रोग्रेस. हर बंदा प्रोजेक्ट गोल्स को का पाबंद है. अटेंड ऑल टीम मीटिंग्स, लिसन एंड शो रिस्पेक्ट, क्रिटिसाइज आइडियाज नॉट द पर्सन. जो पॉइंट ऑफ व्यू आया उस पर बात करें, बंदे पे ना करें. तुम्हें तो भाई क्या जुमा जुमा 8 दिन हुए ज्वाइन किए और हमें सिखा रहे. दिस इज पर्सन स्पेसिफिक. हाँ, उसके आइडिया पे करें कि जो स्टैटिस्टिक्स आप शेयर कर रहे हैं, जो मेथडोलॉजी आप बात कर रहे हैं, जिन मटेरियल्स की जो है वो जो कि जो आप बात कर रहे हैं उस पर बात हो सकती है. यूज एंड एक्सपेक्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. खुद भी करें, दूसरे सुने. कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने न दें. ऑलवेज स्ट्राइव फॉर विन विन सिचुएशन. हराने की
किसी को चुप करा के हरा के ये कोई जीत नहीं है, वो दिल में नेगेटिव बात लेके बैठेगा। ट्राई टू कोलैबोरेटिव अप्रोच, जहां डिस्कशन से लॉजिक से आप दूसरों को साथ लेके चलते हैं, उनको बाई अथॉरिटी साथ लेके नहीं चलते। अवॉइड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, उसकी पूरी लिस्ट मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। आस्क क्वेश्चंस व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं होता तो हमारे लिए मिसाइल क्रिएट हो जाती। ये एक कम्युनिकेशन का छोटी सी बात, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आपसे ये बेसिक चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। या तो आप ऑरल करते हैं, ठीक है, या आप रिटर्न में करते हैं। ऑरल का इंपैक्ट हाई होता है, जैसे फेस टू फेस है, टेलीफोन, और ये किसी गलतफहमी को दूर करने के, एम्बिग्युटी को दूर करने के लिए बहुत आम। जबकि रिटर्न में इंपैक्ट जो है इंटरेक्शन का तो कम होगा, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मीमोज हैं, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड एक आपका होता है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये क्लैरिटी और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए बहुत अहम है, ये हिस्सा आपको रखना चाहिए। फीडबैक जो है वो, सॉरी मेरी चीजें कुछ आगे पीछे हो गई, हैव टू गो बैक। इसमें रिटर्न में जो फीडबैक है वो स्लो होता है, ओरल में फीडबैक का इंपैक्ट ज्यादा होता है। अब आपको देखना, अगर फौरी मसला हल करना है तो गो फॉर द ओरल कम्युनिकेशन, मे बी यूज द टेलीफोन और मीट द पर्सन। अगर आपके पास टाइम है तो देन बेटर गो फॉर द रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन होती है जिसमें इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती। या कोई बंदा ये कहते मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे तो किसी ने बात ही नहीं की। तो ये दोनों चीजें हमने आपसे शेयर कर दी, और सिचुएशन के मुताबिक आपको अपना टूल चुनना है बेहतर कम्युनिकेशन का। सिर्फ राइटिंग करते रहना और उधर एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आप कहें जी मैं तो ईमेल से ही बात करूंगा, दिस इज रॉन्ग। और आपके पास टाइम है और आप ईमेल नहीं कर रहे हैं या लेटर या मेमो नहीं दे रहे, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। जब डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे तो रेफरेंस पॉइंट बिल्ड नहीं होता, इख्तलाफात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरे ये कह सकते हैं कि जी आपने तो मुझसे बात ही नहीं की थी, क्योंकि जबानी बात हुई थी, उसका क्या रिकॉर्ड है, वह हर किसी से रिकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे। इसलिए बंदे को देखें, सिचुएशन को देखें, देन चूज योर मीडियम, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। एक चीज होती है जो बहुत आम है कि हमें दूसरों को करेक्ट करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं गिविंग क्रिटिसिज्म। उसके लिए ये आपको एक EPM फार्मूला है, यू मे राइट डाउन। ई फॉर एम्पैथी, एम्पैथाइज द पर्सन। पी फॉर पिनपॉइंट द प्रॉब्लम। एम फॉर मूव फॉरवर्ड। हम इसकी आमतौर पर रोल प्ले करते हैं, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है तो आपको मैं इसकी एग्जाम्पल शेयर कर देता हूं। जब भी आप बात करें किसी पर, आप समझते हैं कि उसने गलती कर ली, मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए ये EPM आपने इस्तेमाल करना। मसलन, असल में आई रियलाइज दैट द एंड ऑफ द मंथ इज अ वेरी बिजी टाइम। आप उसके लिए रिपोर्ट मांगना चाह रहे हैं, फर्ज कर लें अपने सबॉर्डिनेट से या कोलीग से, उसने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करने, एंड ही इज बिजी, तो आप एम्पैथाइज करते हैं। पहले आप उसे एक सोशल कनेक्ट डेवलप करते हैं, इसको हम सिंपैथाइजिंग कहते हैं। यार मुझे पता है आप, महीने का आखिर चल रहा है, कई सारे काम हैं जिनको आपने क्लोज अप करना है, एंड अप करना है, यू आर वेरी बिजी, मगर यार नाउ पिन पॉइंट प्रॉब्लम, द फैक्ट इज दैट द लास्ट मंथ आई डिड नॉट गेट द मार्केटिंग रिपोर्ट ऑन द टाइम, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सुपरवाइजरी रिपोर्ट, वट एवर द डाटा यू नीड। कहते यार पिछली दफा मुझे लेट मिली थी। नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। मूव ऑन क्या है कि प्लीज गेट इट टू मी बाय द 5th ऑफ एवरी मंथ। तो आपने आगे जाने का रास्ता बंदे को दे दिया। ये जरूरी है,
कि फर्द को एज ए इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करें और सिंपैथी आपकी नजर आए, यू आर नॉट गोइंग टू फोर्स एनीबॉडी। आप क्लियर हो आप चाहते क्या है। जो मिस्टेक है वो लफ्जों में तो बयान हो लेकिन वो एक इंसल्टिंग वे नहीं बल्कि फिगर स्टैटिस्टिक्स से बात। तीसरी व्हाट टू डू मूव ऑन के लिए उसको आप स्पेसिफाई करें ताकि दूसरा ये नहीं कह सकता कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई, या वो किसी स्ट्रेस का किसी का बहाना नहीं कर सकता। आप उन तमाम नेगेटिव रास्तों को पहले से बंद करते हैं। इसी तरह से आपको जैसे अभी दोस्तों ने बात की कि जैसे आपका कोई आपकी क्वालिटी से खुश नहीं है, आपका टीम मेंबर को खुश नहीं है, आपका सीनियर जो है वो आपसे बात कर रहा है, कोई ज्यादा हाइपर आपका कोलीग है वो बात कर रहा है, तो अब आपने क्रिटिसिज्म को लेना कैसे। उसके लिए हमारे पास चार ए हैं, अगर आप नोट करना चाहें। नंबर वन एंटिसिपेट, नंबर टू आस्क क्वेश्चन, थ्री एग्री टू समथिंग, फोर एनालाइज। एंटिसिपेट क्या है कि ये तो को रखें कि ये गुस्से में या जैसे भी बात कर रहे हैं इसमें से कुछ ना कुछ मेरे नॉलेज में इजाफा कर सकता है, मुझे वो भूली हुई चीज याद दिला सकता है। तो यहां से आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं और आपका ब्रेन सेट ट्यून होता है उसमें से कोई चीज निकालने के लिए। अदरवाइज क्या करते हैं कि हम लफ्जों और टोन को रिएक्ट कर देते हैं और जो उसके अंदर प्रॉब्लम या कोई चीज रिपोर्टिंग हो रही है वो सेकेंडरी हो जाती है। तो थिंग्स बिकम इमोशनल एंड द प्रोफेशनलिज्म डाइज ऑन देयर हैंड्स। सो एंटीसिपेट पॉजिटिवली, ये कुछ मुझे मिल जाएगा। आस्क क्वेश्चंस, नाराज है वो, देखें जी आपसे बात हुई थी अब तक तो जो है वो कंस्ट्रक्शन का इतना काम हो जाना चाहिए था, अब होता क्या है, उसकी कई प्रॉब्लम्स है जो उसने मिक्सअप कर दी, ये हमने क्या टाइम ना, आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। जी ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप प्रॉब्लम में महसूस कर रहे हैं, जरा हम देख लेते हैं कि हमारी चीजें तय क्या हुई थी। बंदा इन्वॉल्व होता है, काम डाउन होता है, रियल बात आपके सामने आती है। याद रखें प्रॉब्लम सॉल्विंग में 80% इमोशनल ट्रीटमेंट होती है, 20% टेक्निकल होती है। इंसान जब इजी हो जाता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम को भी फेस इजीली कर लेता है। तो आस्क क्वेश्चंस टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम एंड द क्रिटिसिज्म एंड टेक व्हाट यू वांट। एग्री, एग्री का मतलब ये है कि यू मे नॉट एग्री 100% विद एनीबॉडी हु इज क्रिटिसाइजिंग यू, नॉट नेसेसरी, बट एग्री टू पोर्शन ऑफ दैट। कुछ तो एक्सेप्ट करें ना, अगर कोई तकलीफ में है, कोई कंप्लेन हो रही है, आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है, शिकायत कर रहा है, यार कुछ तो हुआ है ना, मे बी यू आर पर्सनली नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द सर्कमस्टांसेस, इट इज मेक द सिचुएशन अराइजेस एंड मेक थिंग्स अनकंट्रोलेबल। आई एग्री विद दिस पॉइंट, बट यू हैव टू एग्री कि दिस ऑल हैपनिंग क्रिएटेड सम प्रॉब्लम for the other person, or your supervisor, or your stakeholder, or your client or customer. तो इसलिए हम agree करते हैं। अभी देखिए scientifically developed चीजें हैं इंसानी behavior को देखते हुए। जब आप ऐसे behave करेंगे तो you will feel easy. And on fourth, जब आप कुछ चीज को agree कर लेते हैं ना, दूसरे फर्द की satisfaction हो जाती है। Here he is listening. He is sympathizing to me. He is sympathizing to me. तो उसकी टोन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम सरे से मानने को तैयार ना हो कि जी अगर हो रही है हफ्ते से बारिश तो हम क्या करें, जाएं अल्लाह ताला से बात करें, तो आप उसकी जो ग्रीवियंस है उसको बढ़ा देते हैं। उसको असल में जो तकलीफ पहुंचती है वो ये है यार ये नॉट लिसनिंग मी, इसे पता ही नहीं मैं किस प्रॉब्लम में, मेरा इससे क्या लॉस हुआ। तो इसलिए जब व्हेन यू एग्री टू समथिंग एटलीस्ट his feeling of pain, feeling of dissatisfaction, उसको जब आप acknowledge कर लेंगे तो वो calm down हो जाएगा। फिर आप analysis उसके साथ बैठ के collaborative अंदाज में कर सकते हैं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, अब हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो friends,
ये हमारी आज की डिस्कशन थी। दो घंटे में ऑब्वियसली बहुत कुछ कवर नहीं कर सके, बट आई ट्राइड टू कवर सर्टेन थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर ओन अप्रोच टूवर्ड्स अदर्स। इफ यू आर पॉजिटिव, थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। सेकेंड, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज कि अपने रोल क्लैरिटी को लेकर चले। चौथी चीज, लोगों को अंडरस्टैंड करें। पांचवी चीज कि प्रोफेशनली अपनी रिलेशनशिप रखें, उसको पर्सनलाइज ना होने दें किसी सूरत में। तो इन चीजों को देखते हुए हम अपने टीम के अंदर अपने रोल को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अब मैं आपकी चैट को देख लेता हूं कि यहाँ कोई क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज, यू आर वेलकम, ताकि हम आज अपने इख्तिताम की तरफ जा सके। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क डायरेक्टली टू। जी बिल्कुल, यू कैन अनम्यूट, प्लीज बी फ्रीली यू कैन आस्क। सो और यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। देखें, जब कोई क्वेश्चन नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और नोबडी अंडरस्टैंड नथिंग। सो लेट्स बी पॉजिटिव एंड वी टेक दिस, थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। एंड सर, मिस्टर ग्राम इज थैंकिंग यू फॉर योर वंडरफुल लेक्चर एंड द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, एंड इंशाल्लाह सर वी विल श्योरली इनवाइट यू in near future on some other topic. Thank you. All the best. I beg to leave now. Thank you so much, sir. Thank you so much. And Allah Hafiz. Allah Hafiz.